जीतन प्रसाद ने वरुण गांधी पर साधा निशाना। पीलीभीत को जीतन प्रसाद बना देते मुंबई। बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट हॉट सीटों में से एक है और जब से बीजेपी ने यहां के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा है तब से विपक्ष की नजर इस सीट पर गड़ी हुई है। बीजेपी ने वरुण गांधी जो लगातार पार्टी की लाइन से बाहर जाकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें पीलीभीत से साइडलाइन कर दिया है और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन प्रसाद को टिकट दे दिया है। जिसके बाद अब जीतन प्रसाद ने पीलीभीत की जनता से ऐसा वादा किया जिसमें उन्होंने उनकी ही पार्टी के वरुण गांधी के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीलीभीत सीट को जीतने के लिए जीतन प्रसाद जोर शोर से चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। इसी के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जीतन प्रसाद पीलीभीत को मुंबई बनाने का वादा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने पहले ही पीलीभीत को मुंबई बना दिया होता। आपको बता दें कि यूपीए सरकार में जीतन प्रसाद शाहजहांपुर धौरहरा दोनों जगह से सांसद रह चुके हैं और इस बार मोदी सरकार ने वरुण गांधी का टिकट काटकर मंत्री जीतन प्रसाद को पीलीभीत में खड़ा करके उन पर भरोसा जताया है। पीलीभीत सीट पर पिछले चार लोकसभा चुनावों से भाजपा का ही कब्जा है। वर्तमान में वरुण गांधी यहां से सांसद हैं। जीतन प्रसाद ने 2004 में कांग्रेस के टिकट से शाहजहांपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। 2009 में वो धौरहर सीट से जीते थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए थे और अब उन्हें पीलीभीत सीट से बीजेपी ने उतारा है। यहां उन्हें पिछले चार लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड बरकरार रखना है। मेनका गांधी और वरुण गांधी की पकड़ यहां काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी ने वरुण का टिकट काटकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। वहीं वरुण गांधी ने अपनी पीलीभीत की जनता के नाम पत्र भी लिखा था। अब देखना होगा कि पीलीभीत की जनता बीजेपी के जीतन प्रसाद को स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।